हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉन्साई भूतियापा। आज हम लोग इस पाकल के पेड़ पे काम करेंगे। राइट, फाइकस फैमिली का होता है ये पाकल का पौधा, और इट इज वेरी कॉमनली नोन एंड सीन प्लांट इन टू द ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया। ये बहुत सारा बहुत देखने को मिलता है, आप सब इसको जानते पहचानते होंगे। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही आइडियल प्लांट होता है अपनी बॉन्साई आर्ट को स्टार्ट करने के लिए। कुछ खास बातें इस पौधे की हैं, वो जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि बड़ा ही हार्डी प्लांट होता है। फाइकस फैमिली के वैसे भी सारे ही प्लांट्स होते हैं बहुत ही हार्डी, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। राइट, हर एनवायरनमेंट में, हर कंडीशन में अपने को बहुत ही इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। किसी भी एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, अंटिल और अनलेस बहुत ही एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन ना हो, बहुत ही ज्यादा खराब ट्रीटमेंट इनके साथ ना किया जाए, तो ये प्लांट इजिली ग्रो करते हैं, इजिली सर्वाइव कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या है कि लुक इनका बहुत अच्छा आता है बॉन्साई हम जब इसको डेवलप करते हैं एज अ बॉन्साई ट्री। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और भी है इस प्लांट के लिए कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ये प्लांट जिंदा रहते हैं, और जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि ये आर्ट हम सब जानते हैं कि ये आर्ट जनरेशन टू जनरेशन जाती है। अगर आप बॉन्साई पे स्टडी करें तो आपको सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने प्लांट भी मिलेंगे जो लोगों ने रख रखे हैं। तो इसी तरह के प्लांट्स होते हैं जो कई जनरेशन, मल्टीपल ऑफ इयर्स, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक लास्ट करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो करते हैं अगर हम इनको पॉट में एज अ बॉन्साई डेवलप करते हैं। तो आज मैं इसी पे काम करूंगा और दिखाऊंगा कि इस पे कैसे काम किया जा सकता है। राइट, तो जैसा मैंने बताया कि ये पाकड़ का प्लांट है, फाइकस फैमिली का। मैंने कुछ समय पहले इसकी ब्रांचेस को कट करके इस पॉट में ऐसे ही लगा दिया था। आप देख सकते हैं इसमें चार ब्रांचेस, चार प्लांट्स लगे हुए हैं, और दोनों ये चारों ही फाइकस के हैं, बट इसमें ये दो जो वेराइटीज हैं ये डिफरेंट हैं, और ये जो दो सामने की वेराइटीज दिख रही हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ फाइकस है। हम जो काम करेंगे आज इन दोनों फाइकस पे करेंगे, और इनको एज अ ट्विन ट्री हम इनको पॉट करेंगे दूसरे पॉट में। तो आज सबसे पहले इसकी हम प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद वायरिंग करेंगे, उसके बाद इसको रीपॉट भी करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट, काम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं प्लांट को डिफोलिएट करूंगा। इसकी जितनी भी पत्तियां हैं, जितनी भी लीव्स हैं, उनको मैं इसमें से रिमूव करूंगा। राइट, और इसके साथ ही साथ इसमें जो अनरिक्वायर्ड ब्रांचेज हैं, स्पेशली जिस प्लांट पे मुझे काम नहीं करना है, उन प्लांट्स की जो अनरिक्वायर्ड ब्रांचेज हैं उनको भी मैं ट्रिम करके छोटा कर दूंगा, ताकि हमारे काम करने के बीच में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल ना आए। प्लांट को डिफोलिएट करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि डिफोलिएशन के बाद हमें प्लांट बिल्कुल क्लियरली दिखने लगता है, पूरी क्लैरिटी हो जाती है, सारी ब्रांचेज अच्छे से हमें नज़र आती हैं, तो हम उनको आसानी से शेपअप कर पाते हैं। राइट, और उनको हम अच्छे से वायर कर पाते हैं, और वायर करते समय भी वायर हमारा लीव्स के बीच में फंसता नहीं है, तो हमें काम करने में आसानी होती है। और सबसे अच्छी बात यह कि हमें प्लांट का पूरा शेप क्लियर नज़र आने लगता है, तो हम उसको क्या शेप देना चाहते हैं, कैसे उसको वायर करके किस तरफ मोड करना चाहते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि डिफोलिएशन के बाद प्लांट कितना क्लियरली दिखेगा। ये मैंने प्लांट को पूरी तरह से डिफोलिएट कर दिया। अब आपको भी दिख रहा होगा इसकी सारी ब्रांचेस अच्छे से नज़र आ रही होंगी, प्लांट पूरी तरह से क्लियर है। अब इसको कैसे शेपअप करना है हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने जो प्लांट का जो अभी सामने का हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको मैंने बैक डिसाइड किया है, और ये जो पीछे का हिस्सा है ये एक्चुअली प्लांट का फ्रंट मैंने डिसाइड किया है। तो इसको जो है काम शुरू करने से पहले इसमें सबसे पहले इन चारों प्लांट्स को अलग कर लेते हैं, दोनों सेट्स को स्पेशली अलग कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले प्लांट को डिपॉट करना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा, इस पॉट में से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसको हम अलग करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ अनरिक्वायर्ड रूट्स हैं ऊपर की तरफ निकल आई हैं, उनको भी हम काट करके अलग करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट को हम रिमूव करते हैं इस पॉट से, ताकि हम इस पर आसानी से काम कर सकें। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। Oh,
bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, girl. Now both sets of plants are separate. दोनों जो sets हैं वो अलग हो गए हैं. नीचे कुछ roots से भी ये join हैं, तो इनको भी हम अलग कर लेंगे. इसके लिए हम अपने cutter का use करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा knife कम saw है उसको भी यूज़ करेंगे. ये जो roots हैं ये नीचे की हैं तो थोड़ी पतली, लेकिन काफ़ी moist हैं, इनमें काफ़ी नमी रहती है, तो कई बारी आसानी से कटर से कटती नहीं है. तो हम इस saw का इस्तेमाल करेंगे और इससे उसको थोड़ा सा वीक करके फिर इसको कटर से काट लेंगे. इस तरह से पहले saw से हम इसको कोशिश करेंगे काटने की और हल्का करके उसके बाद हम इसको कटर से काट लेंगे और दोनों सेट्स ऑफ प्लांट्स को बिल्कुल अलग कर लेंगे. ये मैंने दोनों सेट्स को अलग कर लिया. अब इन प्लांट्स में हमें काम करना है, तो इसको भी एक दूसरे पॉट में ऐसे ही फ़िलहाल टेम्परेली रख करके हम इस पर काम करेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी, चूँकि अभी कट गए हैं तो ये बैलेंस नहीं है आसानी से, अब टेबल पर ऐसे रखे नहीं जा सकते हैं. तो इसको किसी न किसी छोटे से पॉट में हम डाल लेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो. और ये जो हिस्सा है सामने का, इसमें देखिए रूट्स भी काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही हैं. ये फ्रंट हमने जैसा बताया कि मैंने इसको फ्रंट डिसाइड किया, ये बैक है. और ये ट्विन ट्री है, एक वन इज़ अ स्मॉलर वन एंड द सेकंड इज़ द बिगर वन. द टू ब्रदर्स भी कह सकते हैं, बिग ब्रदर एंड यंगर ब्रदर, राइट. अब इसमें जो इसको हम शेप करेंगे, इसकी जो अनरिक्वायर्ड ब्रांचेज हैं उनको हटाएंगे, जिन ब्रांचेस को शेप करना है उनको हम शेप करेंगे. और तो चलिए पहले कुछ ब्रांचेस प्लस कुछ रूट्स को हम रिमूव करेंगे. ये जो इधर उधर जो रूट्स निकली हुई हैं उनको मैं हटा लेता हूँ. इसके साथ ही साथ ये जो हमारा छोटा वाला प्लांट है इसको हम इस तरह से इसकी एक मेन ट्रंक लाइन डिसाइड करेंगे और इस वाली ब्रांच को हम बाद में डिसाइड करते हैं कि इसको हमें रखना है कि नहीं रखना है. पहले इसको हम वायर कर लेंगे अभी थोड़ी देर में. और ये जो बड़ा वाला प्लांट है इसकी इस रूट को हम रखेंगे और साथ में ये जो ट्रंक है और ट्रंक के साथ ही लगी हुई देखिए ये रूट्स हैं, इन रूट्स को भी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सीधे ज़मीन में जा रही है. और जो ब्रांचेस से रूट जो सीधे सॉइल में जाती हैं वो प्लांट का शेप को ख़राब करती हैं, अनइवन करती हैं. तो इन रूट्स को भी हम रिमूव कर लेंगे. पहले पीछे की इस ब्रांच को हम काट के अलग कर देते हैं इस छोटे वाले प्लांट की, ये हमने हटा लिया. और अब ये जो रूट्स हैं इनको भी हम काट के अलग कर लेते हैं ताकि प्लांट और भी अच्छे से हमें नज़र आएगा और हम उसको आसानी से शेप अप कर पाएंगे. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. ये प्लांट देखिए अब हमारा और क्लियर हो गया, जो भी अनरिक्वायर्ड रूट्स थी इसकी हट गई हैं. और इसकी जो हम जो मेन इस बड़े वाले ट्री की जो बड़े वाले प्लांट की ट्रंक लाइन हम इसको डिसाइड करेंगे, ये नीचे से जाके ये ऊपर की तरफ टेपरिंग होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है. तो इसको हम मेन ट्रंक लाइन रखेंगे और इसकी अगल बगल की ब्रांचेस को इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि एक प्रॉपर कैनोपी बाद में जब इसमें फॉलेज आएगा तो तैयार होगी. तो इसकी ब्रांचेस को हम इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा कर देंगे. अब
अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि हमें कौन सी ब्रांच रखनी है, कितनी बड़ी रखनी है। अब हम इसको वायर करते हैं, वायर करने की तैयारी करते हैं। वायरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट को शेप करने के लिए। इसके लिए इस मोटे वायर का मैं यूज़ करूँगा, चूँकि प्लांट पुराना है, ब्रांचेस भी इसकी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत हैं, तो इसके लिए थोड़े से मोटे वायर का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने इंसुलेटेड वायर यूज़ किया है ताकि इस पर किसी भी तरह का कोई स्कार ना आए, क्योंकि वायर्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइम के लिए इस पर बंधे रहेंगे, तो अगर हम पतले एक्सपोज वायर का यूज़ करेंगे तो काफ़ी स्कार आ सकता है। मिट्टी काफ़ी हार्ड है तो इसको मैं पहले इस स्क्रू ड्राइवर से इसमें एक छोटा सा होल बना लेता हूँ ताकि वायर उसमें आसानी से चला जाए। जो मैंने इसमें होल कर लिया, अब इसमें मैं वायर, ताकि वायर को सपोर्ट करने के लिए मिट्टी में सॉइल में थोड़ा सा अंदर तक ले जाते हैं, तो उसके बाद ट्रंक के चारों तरफ इसको रोल करते हुए प्लांट को हम बांधते हैं। इसको नीचे से वायर करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि ऊपर की ब्रांच को, जो ऊपर की जो पतली ब्रांच अभी जो ऊपर की तरफ जाएगी वो पतली है, उसको सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज़ जो मेन ट्रंक है इस पर वायर का कोई बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये तो ऑलरेडी शेप्ड अप है, कहीं मुड़ना मुड़ाना नहीं है। अब ये ऊपर पतली ब्रांच है मेन, हमें उसको शेप करना है, तो उसके लिए हम वायर को नीचे से ही लेकिन ले जाएंगे। तो ये हमने इसको वायर कर लिया। अभी मैं आपको इधर से भी घुमा करके दिखाता हूँ दूसरे एंगल से, ताकि आपको और भी क्लियरली दिखे कि मैंने इसको कैसे वायर किया है। मैं अभी इसको थोड़ा सा घुमा दूंगा कैमरे की तरफ। अब देखिए आपको और क्लियरली नज़र आएगा कि हमने किस ब्रांच को एक्चुअली वायर किया। यही हमारा मेन ट्रंक है नीचे से, जिसको हम मेन ब्रांच की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ये मैंने इसको वायर कर दिया अकॉर्डिंगली, इसको जिस भी डायरेक्शन में हमें गाइड करना है, वैसे तो स्ट्रेट ही रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा कर्व अगर हमें लगेगा तो दे देंगे इसको, हल्का सा कर्व कर देंगे थोड़ा सा एक नेचुरल शेप देने के लिए। और इसी के हिसाब से मैं बाकी ब्रांचेस को भी वायर कर दूंगा। और अभी आप देखिए ये जो ब्रांचेस हैं, नेचुरल होता है कि प्लांट ऊपर की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ उसकी ब्रांचेस भागती हैं, बट चूँकि हमें उसको एक लेवल में कन्फाइंड रखना है, एक हाइट तक ही उसको जाने देना है, तो अकॉर्डिंगली हमें प्लांट को एक थोड़ा सा वाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा सा उनको वायर करना पड़ेगा, वायर करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें उनको गाइड करना पड़ेगा। तो यही बाकी ब्रांचेस में मैं कर रहा हूँ। तो इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं सभी वायर की, इसमें सभी में वायर की रिक्वायरमेंट है, तो किस कहीं पे पतले कहीं पे मोटे वायर की ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली मैं इसको टाई कर दूंगा, ताकि एक प्रॉपर कैनोपी का जो एक जिसे कहना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए वो हो जाएगा। राइट I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa. I'm falling, whoa, I like the taste of it, whoa, I'm still falling, whoa, but it tastes bittersweet, whoa, I keep on falling, whoa, I like the taste of it.
अब ये पूरा प्लांट हमारा वायर हो चुका है और इसके बाद अब हम इसकी जो सॉयल है उसको रिमूव करेंगे, इसको प्लांट को नीचे से भी रूट से भी थोड़ा सा लूज करेंगे ताकि इसकी रूट्स भी जो हैं वो एक्सपोज हो जाएं और अनवांटेड रूट्स को आप देखेंगे अभी काफ़ी रूट मास होगा उसको भी हम ट्रिम करके छोटा कर लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी खाली उतनी ही रखेंगे। और इधर उधर सॉयल के ऊपर भी जो अनरिक्वायर्ड रूट्स हैं अब काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं उनको हम काट के अलग कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले इन इस सॉयल को हम इसमें से निकाल लेते हैं और रूट्स को थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। इसके लिए मैं इस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसी तरह की किसी हार्ड स्ट्रॉन्ग चीज़ का ही यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसके लिए चॉपस्टिक का भी यूज़ करते हैं प्रोवाइडेड अच्छी मज़बूत हो, अदरवाइज़ इस तरह का एक वायर का भी आता है टूल, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं सॉइल को निकालने के लिए। Fading day by day, I'm reaching out for someone who can take away the pain I feel, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be. ये unrequired roots हैं, ऊपर आपको नजर आ रही हैं, इसको मैं काट के अलग कर दे रहा हूँ। I'm still falling, whoa, but it tastes bittersweet, whoa, I keep on falling, whoa, I like the taste of it, whoa, I'm still falling, whoa, but it tastes bittersweet, whoa, I keep on falling, whoa, I like the taste of it. देखिए रूट्स काफ़ी कम हो गई और ये मैंने सॉयल मिक्सचर तैयार किया, इसमें वर्मी कंपोस्ट प्लस गार्डन सॉयल का मिक्सचर है। उसके साथ साथ मैंने इसमें रेड सैंड यूज़ किया, रेड सैंड काफ़ी कॉमन है, मोरन के नाम से हम सब इसको जानते हैं। काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन लेवल उसका काफ़ी अच्छा होता है, फर्टिलिटी रेट भी उसका बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ वाटर होल्ड नहीं होता है उसकी वजह से। गार्डन सॉयल का खाली अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें वाटर होल्ड काफ़ी होता है। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, अभी मेरा पॉट रेडी है प्लांट को इसमें लगाने के लिए। अब हम इसमें अपने प्लांट को सेट करेंगे। जो हमारा छोटा वाला, थोड़ा सा हम इसको कॉर्नर में एक्चुअली लगाएंगे और जो हमारा छोटा वाला प्लांट है उसको हम कॉर्नर की तरफ रखेंगे, सेंटर से थोड़ा सा सेंटर आउट रहेगा। Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. ये देखिए हमने प्लांट को टाई कर दिया है वायर की मदद से पॉट के साथ ताकि ये हिले डुलेगा नहीं इधर उधर, और अब अपनी जगह बिल्कुल ये फिक्स हो गया है। और इधर ये देखिए रूट्स जो हैं पीछे की तरफ नज़र आ रही हैं काफ़ी अच्छी, इनको भी हम ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे सरफेस के ऊपर। आपने देखा होगा कि नेचुरल कंडीशंस में भी प्लांट जो बड़े ट्रीज़ होते हैं उनका जो रूट होता है वो सरफेस के ऊपर फैला होता है, स्प्रेड होता है, तो उससे एक बहुत अच्छा नेचुरल एक अच्छा लुक आता है, वही लुक हम इसमें देने की कोशिश करेंगे। तो इसके ऊपर की जो भी रूट्स हैं उनको हम ऊपर सरफेस के ऊपर ही ग्रो करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पीछे तो काफ़ी अच्छी रूट्स हैं और आगे की तरफ भी अभी हम देखते हैं क्या है रूट का, रूट्स कितनी हैं कैसी हैं। तो इन रूट्स को हम ग्रो करेंगे, जो अनरिक्वायर्ड हैं उनको हटा देंगे, जो इधर उधर की तरफ भाग रही हैं जो मेन रूट्स हैं उनको रख करके
हम सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे। सामने की तरफ रूट्स अभी फ़िलहाल कम है, बट आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा इसका रूट सिस्टम भी ग्रो करेगा और ये ग्रो करके आ जाएंगी नई रूट्स। प्लांट को थोड़ा आगे की तरफ आ गया, हम उसको थोड़ा पीछे की तरफ पुश करके और जो इसकी सॉइल को है नीचे की तरफ दबा देंगे ताकि प्लांट ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। और इसमें बाकी और जो स्पेस है उसमें भी अच्छे से सॉइल फिल कर देंगे। But it tastes bittersweet. Oh, I keep on falling. Oh, I like the taste of it. Oh, I'm still falling. प्लांट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अच्छी तरह से पॉट में सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम एक लेयर लगाएंगे जो सैंड स्टोन्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे से सैंड स्टोन्स हैं इनको, ताकि एक ये रफ़ टेक्सचर देंगे, रफ़ लुक देंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। और साथ साथ वाटर को भी होल्ड करके रखते हैं, मॉइस्चर एक बना के रखते हैं प्लांट में। वाटर लॉगिंग भी नहीं होती है और लेकिन मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, प्लांट जो है ठंडा रहता है थोड़ा सा, क्योंकि शैलो पॉट में होता है बहुत ज़्यादा। अगर हीट अच्छी हो रही है, गर्मी हो रही है समर्स में स्पेशली, तो प्लांट की जो सॉइल है वो भी गर्म होने लगती है। तो इसमें हमने देखिए इसको ये सरफेस पे लगा देंगे। अभी तो फ़िलहाल हम इसको अच्छे से लगा के पूरी तरह से फिल कर देंगे, पूरी तरह से। बहुत छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं, इसको पूरे सरफेस पे हम फैला देंगे। बहुत सारे लोग इसमें मार्बल पीसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, कलर्ड मार्बल्स यूज़ करते हैं, वाइट मार्बल्स यूज़ करते हैं, देखने में वो भी सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगा सकते हैं, बट बड़ा ही आर्टिफिशियल लुक देता है, एक नेचुरल लुक नहीं आता। तो मैं पर्सनली उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं तो ये सैंड स्टोन्स का ही इस्तेमाल करता हूँ ताकि एक ये नेचुरल लुक ही आता है, एक रफ़ लुक आता है, राइट। तो इसको पूरी तरह से, अच्छे तरह से इसकी पूरी सरफेस पे हम इसको स्प्रेड कर देंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं, इस चीज़ का ध्यान भी रखना हमें, बहुत छोटे छोटे से स्टोन्स का ही इस्तेमाल करना, बड़े स्टोन्स नहीं। कुछ बड़े पीसेस को हम डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं, बट बेस जो सरफेस पे इसको स्प्रेड करने के लिए इन बहुत ही महीन स्टोन्स का हम यूज़ करते हैं, राइट। देखिए ये स्टोन्स भी अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लगा दिए हैं। साथ साथ जो रूट्स हैं, चूँकि रूट्स अभी सरफेस के ऊपर ही फैली हुई हैं, तो उनको वो अंदर मिट्टी के अंदर ग्रो करें, उसके लिए हम इसमें जो वायर के टुकड़े होते हैं उनकी हम क्लिप बना करके इसमें लगाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वायर के टुकड़े, ये जो रूट्स इधर फैली हुई हैं इनको मैं क्लिप कर दूंगा। ये हमारे पास वायर्स के छोटे छोटे से पीसेज हैं, उनको हम देखिए इस तरह से मोड़ करके एक क्लिप बना लेते हैं और इस क्लिप को रूट के ऊपर लगा देते हैं ताकि रूट फिक्स हो जाए और मिट्टी के अंदर ग्रो करने, सरफेस पे ग्रो करे, उसकी जो ब्रांचेज हैं निकल करके अंदर की तरफ जाएँ और अच्छे से जो रूट्स हैं वो ग्रो कर जाएं। ये सारे पे मैं जल्दी से क्लिप्स लगा देता हूँ, स्पेशली जो रूट्स अच्छे से सरफेस पे टिकी नहीं है उनको दबाने के लिए मैंने ये लगा दिया। अब जो है ये, अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो रूट्स के बीच में जो जगह है वहाँ से इन छोटे छोटे जो मैंने अभी स्टोन्स से स्प्रेड किए थे उनको हटा लेंगे, थोड़ी जगह कर देंगे हमारी जो मिट्टी है सॉइल वो ताकि दिखे, और जो एक्स्ट्रा स्टोन्स हैं उनको हम हटाएंगे
और इस सॉइल के ऊपर अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये मैंने हटा लिया। ये जो बीच में स्पेस हमने क्रिएट की है रूट्स के बीच में, इसके बीच में ये मैं ग्रीन मॉस लगाऊंगा। ये ग्रीन मॉस नेचुरली हमारे पॉट्स में ग्रो कर जाती है, स्पेशली ये रेनी सीज़न में बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही शाइनी होती है, बहुत ही नेचुरल लुक देती है। और इन रूट्स के बीच में जब हम इसको सेट कर देंगे, फिट कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा सरफेस को लुक आएगा। मैंने अपने पॉट्स में से ही निकाली है। अब इसके पीसेस को मैं ये रूट्स के बीच में जो मैंने जगह क्रिएट की है जहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर का सॉइल दिख रहा है, इसमें मैं इस ग्रीन मॉस को लगा दूंगा इस तरीके से, फिल कर दूंगा दोनों सारे रूट्स के बीच की जो स्पेस है उसको इस ग्रीन मॉस से फिल कर दूंगा। इसके नीचे की मिट्टी को थोड़ा सा कम करके, ये भी एक तरह का प्लांट ही होता है, हम सभी जानते हैं, इट्स एन एल्गी। और पॉट सरफेस को, प्लांट के जो नीचे का एरिया होता है उसको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा टेक्सचर देता है, बहुत अच्छा लुक देता है, राइट। दोनों ट्रीज़ के बीच में भी हम थोड़ी सी मॉस लगा देंगे, सेपरेट भी हो जाएंगे, देखने में भी अच्छे लगेंगे। अभी मैं चारों तरफ इसके पीसेस लगा दूंगा और जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेंगे और जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतेगा इसको मॉइस्चर मिलेगी, ये ऑटोमेटिकली पूरे पॉट पे ग्रो कर जाएंगे और बहुत ही अच्छा लुक पूरे पूरे प्लांट को, पूरे सिस्टम को बहुत अच्छा लुक देंगे, राइट। इस देखिए मैंने इसको स्प्रेड कर दिया। बीच बीच में हम स्टोन्स के थोड़े से बड़े पीसेस भी लगा देंगे जस्ट फॉर द डेकोरेशन पर्पस। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको इसको कैसे लगाना है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। अभी हमारा प्लांट बिल्कुल रेडी है, काम हो गया है और विद इन फ्यू वीक्स, 2 से 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारा फोलियज आना शुरू हो जाएगा, प्लांट को एक लुक मिलने लगेगा और 2 से 3 महीने में पूरा प्रॉपर फोलियज आ जाएगा, खूब सारा फोलियज आ जाएगा और एक प्रॉपर कैनोपी जो है वो तैयार हो जाएगी और एक जो प्लांट का जो एक ट्री का लुक आना चाहिए इस बॉन्साई को, वो प्रॉपर ट्री का लुक आ जाएगा। डेफिनेटली आई विल शेयर द वीडियो दैट टाइम ऑल्सो जब इसमें एक प्रॉपर कैनोपी तैयार हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आई एम ऑलमोस्ट डन, मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, प्लांट इज रेडी। नाउ आई एम डन हियर फ्रेंड्स एंड एज पर डिमांड मैंने अपने इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपको चीजें करके दिखाने की कोशिश की है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है और आपका काम शुरू होता है। आपको मालूम है ना आपका क्या काम है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यू हैव टू लाइक दिस वीडियो और अपने प्लांट लविंग फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब भी करना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो वेरी सून वी विल बी मीटिंग विद सम न्यू वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।